टॉपिक अजीम, माय नेम इज अजीम और आज का जो टॉपिक होने वाला है इंटीजर, वो मैथ का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इंटीजर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपको मैथ्स में बहुत ही कम डिफिकल्टी होने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर को। इंटीजर देखने में तो ये नाम बहुत छोटा सा लगता है, बट एक्चुअली ये इसका स्कोप जो है मैथ्स में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम इसे बेसिक से करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसे हम आज समझेंगे। व्हाट इज इंटीजर्स, क्या होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली एक ग्रुप नंबर्स का ग्रुप इंटीजर्स कहलाता है। ये तो एक डेफिनेशन के बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूं, बट मैं आपको समझाता हूं कि इंटीजर्स होते क्या है। तो इंटीजर्स को समझने से पहले हम पहले जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर इन मैथ्स, जिसमें कि इंपॉर्टेंट कुछ नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, सेकंड होते हैं होल नंबर, थर्ड होते हैं प्राइम नंबर, और फिर उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटीजर्स की। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी मुझसे गलत हो गई, जो फिर इंटीजर्स की हम बात करने वाले हैं। तो इंटीजर्स पे आने से पहले हम पहले बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। लिख देते हैं यहां पर फर्स्ट टाइप नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नॉर्मली जो हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जो 1 से infinite तक हम जो काउंटिंग करते हैं नंबर्स की, वो नंबर्स जो आते हैं नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... हम इनफाइनाइट तक जाएंगे तो वो सारे नंबर्स जो आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर्स 1, 2, infinite के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके सब नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर्स जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको अभी पता लगने वाला है। जैसे हमने अभी लास्ट देखा कि नेचुरल नंबर हम कहां से काउंट करते हैं, 1, 2, infinite तक हम नेचुरल नंबर को काउंट करते हैं, बट होल नंबर में क्या डिफरेंस आ जाता है कि होल नंबर्स में हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट करते हैं। मतलब कि आप अगर नेचुरल नंबर में बोले कि भाई 0 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर जो हम काउंट करते हैं 1, 2, infinite तक काउंट करते हैं, और जबकि हम होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर हम जो काउंट करते हैं 0 to infinite तक काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि होल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 to infinite तक के जितने भी नंबर्स होते हैं आपके होल नंबर में आते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, कि आपका नेचुरल नंबर कहां से कहां तक फॉलो होता है, 1 to infinite तक होता है, और आपका होल नंबर जो फॉलो होता है वो 0 to infinite तक होता है। कहने का मतलब कि आपका 0 जो है इंक्लूड हो जाता है किसमें, होल नंबर में। ठीक है, तो ये सेकंड था। थर्ड की अगर हम बात करें
अगर थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स और कैसे हम पहचानेंगे कि प्राइम नंबर्स है? पहले लिख लेते हैं इसे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये कुछ नंबर्स लिखे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या मतलब होता है प्राइम नंबर्स का और कैसे हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर्स नहीं है? तो प्राइम नंबर्स का जो पहचान होते हैं, प्राइम नंबर हैज टू फैक्टर। प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होने चाहिए तभी उस नंबर को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे मैं 11 की बात करूं तो 11 के दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? इट्सेल्फ और 1। तो 11 का जो दो फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं वो खुद, यानी कि वो 11 खुद से डिविजिबल हो सकता है और 11 1 से डिविजिबल हो सकता है। तो 11 के दो फैक्टर हो गए। तो यानी कि वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4 का, कोई स्टूडेंट कहने लगे कि सर 4 भी एक प्राइम नंबर है। नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 3। 4 1 से भी डिविजिबल हो सकता है, 4 2 से भी डिविजिबल हो सकता है और 4 खुद से भी डिविजिबल हो सकता है, यानी कि 4 से भी डिविजिबल है। तो 4 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 3 और 11 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 2। इसलिए 11 जो है आपका प्राइम नंबर है और 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहने लगे कि सर 1 का क्या हुआ, हम 1 को भी तो कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर हो सकता है। नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं कि 1 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? इट्सेल्फ और 1। तो इट्सेल्फ की कैटेगरी में मैं किसे रखूंगा? इट्सेल्फ की कैटेगरी में मैं 1 को ही रखूंगा, क्योंकि 1 से डिविजिबल होगा और 1 जब 1 खुद यहां पर आ गया तो 1 यहां 1 से डिवाइड हो गया। तो एक ही नंबर है जो खुद से डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि 1 के कितने फैक्टर हुए? 1 का एक ही फैक्टर हुआ, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। प्राइम नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर हमारा 2 से इनफाइनाइट जाता है, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो एक ही है और जो प्राइम नंबर होने के लिए जो शर्त है वो शर्त क्या है कि किसी भी एक नंबर के अगर दो फैक्टर है तो वो हमारा नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर था। अब बात करते हैं इंटीजर की, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल के हेल्प से बताने वाला हूं। मान लो कि ये अलमीरा है। क्या है? अलमीरा। और इसे मैं कह देता हूं, इस अलमीरा को मैं कह देता हूं इंटीजर, और जो इसके सब पार्ट्स हैं इनको मैं कह देता हूं नेचुरल नंबर। बोल देता हूं इसे, एक को नेचुरल नंबर बता दिया मैंने, एक को मैंने होल नंबर बता दिया और एक को मैंने प्राइम नंबर बता दिया। तो इन तीनों नंबर से, इन तीनों सब पार्ट से मिलकर जो एक ग्रुप बनेगा, जो एक अलमीरा बनेगी, उसे कहेंगे हम इंटीजर। जैसे अलमीरा के अंदर सब पार्ट होते हैं ना भाई, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, वैसे ही इंटीजर्स के अंदर भी ये पार्ट है। लाइक नेचुरल नंबर हो गया, फिर होल नंबर हो गया आपका, फिर प्राइम नंबर हो गया। कहने का मतलब कि इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं वो आपके कहां से कहां तक फॉलो होते हैं? इंटीजर्स मैं माइनस इनफाइनाइट से शुरू करके इनफाइनाइट लिख देता हूं इसे, मतलब कि इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के
प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर्स में वो सारे नंबर कवर हो जाते हैं जो हमने इंडिविजुअल अभी पढ़े हैं। इसमें माइनस के भी नंबर कवर हो जाते हैं, जीरो भी इसमें कवर हो जाता है और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी कवर हो जाते हैं। तो इंटीजर्स एक ग्रुप है जिसमें टाइप्स ऑफ नंबर आपके होते हैं। इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, इसमें प्राइम नंबर भी आ जाता है, और भी जो नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो इंटीजर्स कहने का मतलब वही हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम सब इंटीजर्स में रखते हैं, उन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स में रखते हैं। इंटीजर्स आपके माइनस भी हो सकते हैं, इंटीजर्स आपका जीरो भी हो सकता है और आपका एक पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर्स कहला सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इंटीजर होता क्या है, कि इंटीजर की पहचान क्या होती है, उसके अलावा और जो नंबर होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पेपर में एक एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि जीरो आपका क्या है, तो आप वहां पे चार ऑप्शन दिए होंगे, वहां ऑप्शन दिए होंगे नेचुरल नंबर है या आपका होल नंबर है या आपका प्राइम नंबर है। तो ऐसे जो ऑप्शन दिए होंगे आप वहां देखते ही बता देंगे कि जीरो जो है एक होल नंबर है। आप नेचुरल नंबर पे अगर टिक लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जीरो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात रही इंटीजर की कि इंटीजर होते क्या है।